बार बार कोरोना की मार झेल रहे चीन ने सूंघने वाली वैक्सीन तैयार कर दी है। जानकारी के मुताबिक जो वैक्सीन निकाली गई वो कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ सकती है, यानी वैक्सीन को सूंघकर वायरस से बचा जा सकता है। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए चीन की सरकार ने AD5nCoV नाम की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी भी दे दी। बताया गया कि सूंघने वाली ये वैक्सीन कोरोना के संक्रमण से बचाने में काफी असरदार है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने दावा किया कि वो वैक्सीन उसने ही तैयार की है। वो कोरोना के लक्षणों को रोकने में 66% जबकि गंभीर बीमारी में 91% तक काम करती है। जानकारी के मुताबिक सूंघने वाली इस वैक्सीन का लोगो पर ट्रायल मार्च 2020 में शुरू हुआ था। इस वैक्सीन की सबसे बड़ी खासियत इंजेक्शन फ्री होना बताया जा रहा है। मतलब ये कि इसे लेने के लिए किसी डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसे सूंघ कर ही इस्तेमाल करना होता है। और यही वजह है कि बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए शी जिनपिंग सरकार ने इसके इस्तेमाल की मंजूरी दे दी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में चीन के कई शहरों में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं, दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं, हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इससे बड़ी है, चीन के दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत के चंगदू शहर में हालात इतने खराब हो गए कि लॉकडाउन लगाना पड़ा, जिसके बाद वहां लाखों लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। लेकिन खबर है कि कोरोना की मार अब दोबारा कई देशों पर पड़ सकती है। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी का दावा है कि आने वाली सर्दी में यूरोपीय देशों में कोरोना का नया वेरियंट सामने आ सकता है।